क्या करना बच्चा मैच पोलिशन वाला तो अपना पूरा हो गया था ना। हाँ एक तो हमें क्वेश्चंस करने हैं। मैंने क्या होमवर्क दिया था? इसके कोलिजंस वाला क्या था अपना बच्चों? जीरो वन ना। आखिरी दो पार्ट, तीन चार सारे कर लिए इसमें। सब हो गए। पक्का डन? एक्सरसाइज वन बच्चों। जी का पी थीटा थ्री पीसेस इक्वल हाईएस्ट पॉइंट, वन पीस फॉल्स डाउन वर्टिकली व्हाइल द अदर रिट्रेसेस इट्स पाथ, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द थर्ड पीस? तो हमें कहा है कि से जा रहा था, एक पीस तो ड्रॉप डाउन कर गया, ठीक है, मतलब जो आपके बच्चों तीन पीसेस बने उनमें से एक की तो वेलोसिटी जीरो हो गई, ठीक है, जो दूसरा है वेलोसिटी क्या हो गई? वो रिट्रेस करेगा, पहले थी उसी की ऑपोजिट हो गई डी कॉस, ठीक है, इसके की आप निकालनी है। तो जब आप मोमेंटम कम करोगे तो वो क्या बन जाएगा? इसको क्या हो गया? ठीक है, तो इससे आपका क्या आंसर आ जाएगा? 4v cos थीटा आ जाएगा। और कौन सा कह रहे थे? ड्रॉप होना चाहिए था एक्चुअली, है ना, फॉल्स से थोड़ा सा डाउट आता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, है ना। फर्स्ट इसका फर्स्ट कह रहे हो? मैन ऑफ मास एम, हाइट एच, ग्रेविटी फ्री स्पेस, उसने यू से नीचे फेंकी, ठीक है, तो व्हेन द बॉल रीचेस द फ्लोर डिस्टेंस ऑफ मैन अबव द फ्लोर, ओके, तो पहले हाइट एच पे है वो, हाइट एच पे उसने बॉल नीचे को फेंकी, तो वो खुद किधर को जाएगा? ऊपर को। मोमेंटम कंजर्व करोगे, है ना, तो क्या होगा मोमेंटम से? स्मॉल एम इंटू यू इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू वी आ जाएगा, तो उससे मैन की वेलोसिटी आ गई ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो बॉल को नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा फ्लोर पे? एच बाई यू, तो उतने टाइम में मैन कितना ऊपर चला जाएगा? वेलोसिटी इंटू टाइम, वी इंटू एच बाई यू हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ पावर डिस्कस किया था मैंने, है ना, हाँ कर लेते हैं। एच पार्ट बचो,
न्यूट्रॉन हेड ऑन मास नंबर ए फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड बाय इट इज. बच्चों देखो आपको एटम का मास नंबर दे दिया ए, तो अगर न्यूट्रॉन का मास हम एम मान ले तो एटम का मास कितना हो गया एम ए, है ना. न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो नियरली इक्वली होता है, तो उसका मास क्या हो गया एम ए. तो आपका क्वेश्चन इसमें एक बात जो मिसिंग है वो ये है कि कैसा कोलिजन है. हेडिंग से देख सकते हो बट मेंशन होना चाहिए था. नहीं हेड ऑन से तो कुछ नहीं होगा. नहीं नहीं हेड ऑन डज नॉट मीन इलास्टिक. हेड ऑन का मतलब तो बस ये है कि उससे सीधा टकरा गया और कुछ नहीं. तो ये बच्चों लिखा होना चाहिए टाइप ऑफ कोलिजन, तब तक ये नहीं हो सकता था. यही डाउट था या आगे. तो देखो अब आप जो आपका एटम है वो रेस्ट पे है, मतलब अब तो आपका क्वेश्चन क्या है कि ये न्यूट्रॉन है मास एम का, उसकी काइनेटिक एनर्जी है फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी पूछा है, ठीक है. तो आप इसकी कुछ स्पीड यू मान लो, ये कोलाइड कर रहा है विद सम एटम जिसका मास है ए इंटू एम और ये रेस्ट पे है, ठीक है. तो और इलास्टिक कोलिजन है तो आप मोमेंटम और ई की कंडीशन लगाओगे, उससे आपके पास न्यूट्रॉन की बाद वाली स्पीड आ जाएगी. फिर क्या करना है, फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी मतलब जितनी उसके पास है अपॉन जितनी उसके पास इनिशियली थी, वो रेशियो ले लो उससे निकल आएगा. किसका देखो U1 U2 बाद में हो गया V1 V2, तो E कैसे लिखना है हमें, सेपरेशन की रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन अप्रोच की रिलेटिव वेलोसिटी, और उसको अगर पॉजिटिव बना के लिखना है तो सेपरेशन वाली लिखो V2 माइनस V1, अप्रोच वाली U1 माइनस U2. और अब जब आप यहाँ पे ये पुट करोगे सारी वैल्यूज तो साइंस के साथ पुट करनी जो आपकी नॉर्मल साइन कन्वेंशन होती है. ना अब आके वेव एग्जांपल लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा. फिर आगे और बच्चों डन. अच्छा ये पावर कौन सा सेकंड क्वेश्चन. देखो इसमें बच्चों क्या करना है, मैन ऑफ मास 60 केजी लिफ्ट्स अ 15 केजी मास टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 10 मीटर इन 5 मिनट्स. मतलब इसमें क्या मतलब है, एफिशिएंसी मतलब आउटपुट ओवर इनपुट. काम क्या किया उसने, फाइनली क्या काम करना चाहता था वो, ये मास को ऊपर लेके जाना था तो कितना वर्क किया, 15 × g × 10, ठीक है जी. और एफर्ट कितना गया, टोटल इनपुट कितनी हुई 75 × g × h. टाइम का क्या काम था, क्या पावर, कोई काम नहीं था, राइट. आप तो बस mgh को इक्वेट कर दो दोनों, यही किया ना इस क्वेश्चन में, 15 gh upon 75 gh, आउटपुट ओवर इनपुट. और बच्चों ये बच्चों इसका क्या मीनिंग है, इंक्लिनेशन 1/20 साइन थीटा इज 1/20, ठीक है. बॉडी ऑफ मास एम एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली टू स्पीड वी इन टाइम टी, इंस्टेंटेनियस पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो आपको किसी भी टाइम टी पे पावर बतानी है ना. वो क्या होती है, फोर्स इनटू वेलोसिटी. तो इसका मतलब हमें किसी भी टाइम टी पे फोर्स इनटू वेलोसिटी बतानी है. अब हमें कहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रेस्ट से स्पीड वी इन टाइम टी, एक्सेलरेशन क्या हुई बच्चों v by t, फोर्स क्या हुई
मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स क्या बन गई, एम वी बाय टी, फोर्स पता चल गई। अब क्या आप किसी भी टाइम टी पर वेलोसिटी निकाल सकते हो? कैसे? जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन से किसी भी टाइम टी पे आप निकाल सकते हो ना वेलोसिटी। तो बस उससे वेलोसिटी आ गई, तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी वो बन गई आपकी पावर। तो जो मैं बच्चों सोच पा रहा हूँ आंसर ए बी में से ही कुछ होना चाहिए, क्योंकि हाफ तो कोई टर्म आई नहीं रही है ना, और ए बी में से तो डायमेंशनल ही दिख रहा है कि कोई एक ही होगा। इज दिस थिंग क्लियर बच्चों? आगे डन। और कोई पावर में हो गया बच्चों? एक्साइज जीरो पावर, है कोई डाउट? क्या चीज मतलब क्या देखना पड़ेगा? जैसे ये वाला पर्टिकुलर केस हम आज करेंगे अभी, कि इसका हम एक जनरल एक्सप्रेशन बना लेते हैं, उससे एकदम हो जाता है। अब वही वही हम पैटर्न देख के सीरीज बना देंगे। वही आज हम देखेंगे, मतलब ये वाले जो केस है ना, जो एक हाइट से ड्रॉप करके, उसमें तो हम एक सीरीज बना लेते हैं जिसे सीधा हो जाए। बाकी अगर कोई नई सिचुएशन दे दी जाएगी तो फिर तो ड्रॉ ही करने पड़ेंगे, फिर और कोई तरीका नहीं। वो तो करके ही देखना पड़ेगा। हाँ, जैसे वो जो था नंबर ऑफ कोलिजन वाला, उसका कोई छोटा तरीका नहीं है, मतलब पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। डन बच्चों? थ्री ए में क्या बोला था मैंने, इसकी थ्री में भी कुछ कहा था क्या? इसकी पावर, हाँ बच्चों इसमें एफ पार्ट में कोई डाउट? ओके ओके, तुम यहाँ पे थे बच्चों ना? ठीक है, तो आज है नहीं ना वो फिटिंग वाला। कम है दादा? ठीक है, कुछ करने वाला या क्या बताओ क्या करना? कंट्रास्ट कम करो तुम। ठीक है, हाँ जी। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन था, ये मास्टर्स गिवन है, इसे पूछा था नंबर ऑफ कोलिजन, इसका क्या तरीका था?
सी आपको क्लियरली जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई सबसे पहले कौन से दो ब्लॉक्स में कोलिजन होगा, फोर एंड वन, ठीक है। तो आपको फोर एंड वन में कोलिजन लेकर फिर वेलोसिटीज निकालनी पड़ेंगी कि क्या आती है, ठीक है। तो जैसे फोर और वन का कोलिजन करवा के वेलोसिटीज क्या आती है बच्चों, फोर वाले की मतलब आफ्टर कोलिजन फोर वाले की आ गई 17V/5 V नहीं आएगा, और हाँ हाँ सुन गया, ठीक है। और इसकी तो अब आप फिर से आइडेंटिफाई करो कि अब हमें पता चल रहा है कि वन और टू में कोलिजन होगा, ठीक है। अब आपको फिर से निकालना पड़ेगा कि उसके बाद वन और टू की क्या वेलोसिटीज आई, ये सब क्या लगा लगा फ्रैक्शंस में बताओ, तो इसकी आ गई 1/5, तो इस और अब ये जो गलती हो जाती है अब इसकी तो 17/5 थी, तो अब क्या होगा 4/1 में कोलिजन हो जाएगा। बट हमें उसके आगे फर्दर क्या सॉल्व करने की बच्चों जरूरत है कि नहीं है, फिर देखना पड़ेगा कि अगर इस कोलिजन के बाद कहीं ऐसा हो गया कि वन की स्पीड 28/5 से ज्यादा आ गई तो फिर एक कोलिजन हो सकता है, राइट, वो भी चेक करना पड़ेगा। वो किया था कि नहीं, तो क्या वो आती है, तो फिर इसका मतलब तीन ही कोलिजन पर, ठीक है जी, अंडरस्टूड, ओके। तो नेक्स्ट बच्चों जैसे मैं आपको कह रहा था कि जो हमने पहले जिसको स्पेसिफिक एग्जांपल की तरह किया था, ये जैसे एग्जांपल था, इसी को हम एक फॉर्मूला की टर्म्स में कर देते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि एक बॉल को हमने एक हाइट से ड्रॉप किया, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही सिचुएशन है ना जो हमने बात की थी कि बॉल किसी हाइट एच डैश तक रीबाउंड करती है। तो ये जो फिगर में वी दिखाई हुई है वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है। तो हमें बच्चों पता है कि जस्ट आफ्टर द कोलिजन क्या वेलोसिटी आएगी अगर मैं ई की इक्वेशन लगाऊंगा,
वी ई हो जाएगी मान दो, ठीक है। अब बच्चों अगर हम सोचें इसके बाद क्या होगा, वो ऊपर जाएगी और वो वापस वी वेलोसिटी से ही वापस आएगी, है ना। तो मतलब जब सेकंड कोलिजन होगा उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फिर से ई से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यही सेम बात ही तो है ना। तो मतलब उसकी अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, क्या है तो ये है? क्या डांस कर रहे हैं इनको भी? चले जाओ भाई, हाँ जी। तो सेकंड कोलिजन के बाद बच्चों कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, स्क्वायर भी अगर हम इसको जनरलाइज कर दें तो nth कोलिजन के बाद क्या वेलोसिटी बन जाएगी, e की पावर n into v, राइट। तो ये हम एक पहला रिलेशन बनाते हैं जनरलाइज कि nth कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी है वो e raised to power n into v हो गई। ठीक है। अच्छा अब ये बताओ बच्चों कि जैसे फर्स्ट कोलिजन हुआ था उसके बाद वो कितनी हाइट तक जाएगी बॉल, एच डैश क्या आएगा, निकालो एच डैश क्या बनता है एच की टर्म्स में, एच और ई की टर्म्स में बताओ जरा। स्क्वायर एच आ गया, इसको भी जनरलाइज कर दो तो मतलब nth कोलिजन के बाद वो कितनी हाइट तक जाएगा, तो वो चला गया e की पावर 2n into h।
तो मतलब थोड़ा सा जो माइंड में रखने वाली बात है, याद रखने वाली बात है, वो ये है कि वेलोसिटी जो है वो ई से मल्टीप्लाई हो रही है हर कोलिजन के बाद, और जो हाइट है वो ई स्क्वायर से हो रही है। ठीक है, अब बच्चों मुझे ध्यान से आप एक क्वेश्चन करके दिखाओ। मान लो क्वेश्चन ये है कि बॉल को हाइट एच से ड्रॉप किया ओरिजिनली, ठीक है बच्चों, धीरे धीरे क्या होता जाएगा बॉल के साथ? डिक्रीज होती जाएगी और फाइनली बहुत देर के बाद जीरो ही हो जाएगी। तो बहुत ध्यान से, क्वेश्चन ये है कि जब हमने बिल्कुल इनिशियली ड्रॉप किया तो व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल? वैसे तो बहुत आसान है, क्या करना है? बट मैं देखता हूँ किसी ने मिस्टेक किया कि नहीं। हो गया सबका? क्या बनेगा? ऐसे बनेगा h प्लस 2e स्क्वायर h प्लस 2e की पावर 4। 2 क्यों आया? ऊपर नीचे। तो इसको जब आप ऐसे लिखोगे तो ये जीपी बन गई। और यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है e वो लेस देन 1 ही है, हमें पता है, तो हम वो रिजल्ट लगा सकते हैं। तो ये बन गया किस किस का एग्जैक्टली ये था आंसर? ठीक है, ऐसे बनेगा ना, h इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बच्चों मतलब जैसे क्या है कि ये तो एक स्टैंडर्ड केस को हमने ऐसे मैथमेटिकली बिल्डअप कर लिया, ठीक है, इसके रिजल्ट्स लिख लिए। मेंस में ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है डायरेक्ट, आईआईटी में डेफिनेटली नहीं आएगा कभी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन। आईआईटी में हमेशा वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे, अगर उन्होंने पूछना भी होगा तो एक नई सिचुएशन बना के जिसमें कि आप अंडरलाइंग टेक्निक क्या है कि हमने एक कोलिजन दो कोलिजन के बाद पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया, सीरीज आइडेंटिफाई कर ली और उस पर बिल्डअप कर लिया जो कुछ भी हो। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट बच्चों हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, बैलिस्टिक पेंडुलम। वैसे तो मतलब ये क्वेश्चन ही है सिर्फ, चलो हम इसको एक नाम दे देते हैं।
तो देखो इसमें सिचुएशन क्या है बच्चों, तो देखो क्या हो रहा है बच्चों, ये मान लो एक ब्लॉक है पेंडुलम टाइप, एक सीलिंग से लटक रहा है, ठीक है। हमने एक लेफ्ट साइड से बुलेट फायर की मास एम, वेलोसिटी वी, ठीक है, और हम ये मान रहे हैं कि जो बुलेट है वो इस ब्लॉक के अंदर फंस गया जाके, उससे क्या होगा, मास आगे जाएगा। तो हमें निकालना ये है कि ये मास जो है, मतलब इसके हमें एंगल थीटा निकालना है कि कितने एंगल से स्विंग किया, ठीक है। अगर हम ये एंगल थीटा निकाल सकते हो तो ऑब्वियसली हम ये हाइट एच भी निकाल सकते हैं, है ना। तो आप ये फिगर बना लो बच्चों पहले, तो ये v डैश जो है बच्चों, ये हमने दिखाई है वेलोसिटी, मतलब बाद वाली जब बुलेट फंस गया उसके बाद वाली वेलोसिटी। ट्राई करो थीटा निकालना, बेसिकली ऐसे कह लो थीटा मैक्स निकालना कि जो मैक्सिमम एंगल बनेगा। वी डैश तो मतलब जो हिट करने के बाद जो वेलोसिटी बनेगी वो है, जब बुलेट इसे टकराएगा तो जो ब्लॉक की वेलोसिटी बन जाएगी वो। ये वाला मुझे दिखा सकता है कोई भी,
थोड़ा लंबा सा बनता है वैसे। अच्छा आपने वो एच अननोन है, अच्छा आपने एच के टर्म्स में से छोड़ दिया, ठीक है अच्छा बच्चों आपके ना अब मतलब जो आपका अगला टेस्ट है तब से ऐसा शुरू हो रहा है कि मतलब बेसिकली आप आईक्वेस्ट में आके टेस्ट दे सकते हो, ठीक है, कंपलसरी नहीं है बट ऑप्शन होगी तो, हाँ ट्रांसपोर्ट होगी तो आपको शेड्यूल मिलेगा, बेसिकली ट्रांसपोर्ट वालों का अलग स्लॉट होगा, बाकियों का दूसरा स्लॉट होगा। हाँ जी बच्चों देखो इसमें हम क्या करते हैं। अच्छा एक तो आपको ये समझ आ रहा है जो ज्योमेट्री से लिखा है h equal to l 1 minus cos theta, ओके, और हो क्या रहा है यहाँ पे, वो से टकराएगा और फिर टकराने के कारण क्या हुआ, ब्लॉक को वेलोसिटी मिल गई और फिर ये जो कंबाइंड सिस्टम है ये ऐसे स्विंग करेगा और ऑब्वियसली हमें पता है कि ये हाइट पे जाके रुकेगा, उसके बाद ऑफ कोर्स वापस भी आएगा बट दैट इज नॉट आवर कंसर्न, हम उस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं जब वो वहां पे रुकेगा। ओके सभी लोग पेन रख दो और बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे आंसर निकालना आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अंडरलाइन कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है क्योंकि उसको हम आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हम बच्चों क्या करते हैं, हम इस सिचुएशन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, वेयर द फर्स्ट पार्ट इज कि बुलेट का ब्लॉक के साथ कोलिजन हो रहा है, ठीक है, सेकंड पार्ट इज हम कोलिजन को भूल जाते हैं, हमने कहा कोलिजन होने के कारण जो सिस्टम है उसकी वेलोसिटी वी डैश है, तो अब कोलिजन वाले पार्ट को बिल्कुल भूल जाओ, तो उसमें क्या हो रहा है अब कि बस ये ऐसे स्विंग करके ऊपर जा रहा है, क्या ये बात समझ आती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट है जब बुलेट हिट्स द ब्लॉक उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन, हमें पता है कि वो बाद में तो दोनों की स्पीड सेम है तो वी गेट एम वी इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इन टू बी डैश, तो इससे हमारे पास बी डैश निकला, क्या ये बात समझ आ गई। सेकेंड पार्ट क्या है, हो क्या रहा है सेकेंड पार्ट में, वो स्विंग कर रहा है, जो आपका ब्लॉक का प्लस बुलेट का सिस्टम है वो स्विंग कर रहा है, करेक्ट, उसमें आप क्या इक्वेशन लगाओगे, एनर्जी कंजर्व कर रहे हो, ठीक है, तो आपने कहा जीरो इज इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी, डेल्टा के ई क्या है, जीरो माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, डेल्टा पी क्या है, एम जी एच, वेर एच वॉज एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा, तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास कॉस थीटा की ये वैल्यू बन जाती है, अभी देखते हैं, ठीक है। चलो पहले इसी क्वेश्चन का आंसर करते हैं बच्चों, जो फिनोमिना टू है
उसमें अगर हमने एनर्जी कंजर्वेशन की तो ऑब्वियसली वहां पे हम अपना सिस्टम क्या मान रहे हैं, बुलेट प्लस ब्लॉक उस पे लगा रहे हैं, है ना। तो वहां पे टेंशन के वर्क डन को क्यों नहीं लिया हमने, वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है इसलिए उसका वर्क डन जीरो हो गया, है ना। स्विंग कर रहा है ना, तो टेंशन रेडियल डायरेक्शन में है, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, तो एंगल 90 डिग्री है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार ये नोट कर लो बच्चों, इसमें किसी भी स्टेप में कोई कंफ्यूजन है प्लीज आस्क, फिर अभी हम इसको और डिटेल में समझेंगे। अभी ये बच्चों हम बहुत यूज करेंगे आगे, ये जो कंसेप्ट है ना, है तो बहुत सिंपल कि एच को एल इन टू वन माइनस कॉस थीटा करके जो लिखा है, तो समझ आ गया सबको वैसे लिखा है, वो याद रखना, मतलब वो वैसी चीज ही है जैसे एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा हम करते हैं ना बहुत फ्रीक्वेंटली, उतनी फ्रीक्वेंटली करना पड़ता। ठीक है बच्चों, ओके। तो हमने बच्चों इस अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली कि चलो कोलिजन्स में हमने पहले भी ये किया था कि मोमेंटम और एनर्जी को इकट्ठे लगाया था, यहां भी हमने इकट्ठे लगाया मोमेंटम एनर्जी, बट यहां पे हमने बहुत ही कह लो स्मार्टली या जैसे भी मोमेंटम एनर्जी तो लगाया बट उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करके लगाया, है ना। शुरू वाले पार्ट में मोमेंटम लगा दिया, बाद वाले पार्ट में एनर्जी लगा दिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, आप ध्यान से समझो, हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए कि हम बिल्कुल ये जो इनिशियल इंस्टेंट है और जो फाइनल इंस्टेंट है उसके बीच में डायरेक्टली क्यों नहीं मोमेंटम लगा दिया हमने, मतलब हमने मोमेंटम सिर्फ यहां पे क्यों लगाया शुरू में, हम बिल्कुल स्टार्टिंग और एंड तक मोमेंटम क्यों नहीं लगा सकते। मोमेंटम को उससे क्या मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, तो इंटरनल है। अगर आपका सिस्टम बुलेट प्लस ब्लॉक है तो वो जो एक दूसरे पे इंपल्स लगा भी रहे होंगे वो तो एनी वेज इंटरनल है। कौन सी एक्सप्रेशन, सो उसे क्या हुआ, देखो आपको क्लियरली ये भी दिख रहा है कि मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा। अगर मैं इसको मानू इनिशियल इसको मानू फाइनल तो क्लियरली मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा, क्यों, यहां तो इनिशियल मोमेंटम क्या है स्मॉल एम इनटू वी प्लस कैपिटल एम इनटू जीरो, तो मतलब इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ स्मॉल एम वी। और अगर मैं इस इंस्टेंट की बात करूं जो सबसे ऊपर पहुंच गया जब ये, यहां पे मोमेंटम क्या है जीरो ही है, तो कंजर्व भी नहीं हो रहा ये भी दिखता है ना। बट माय क्वेश्चन इज क्यों नहीं हो रहा कंजर्व, बट हमने ये तो नहीं कहा कि कोलिजन में ही मोमेंटम कंजर्व करना है। हम मोमेंटम में कोलिजन मतलब हम कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व करते हैं, बट हमने ये तो कभी नहीं कहा कि मोमेंटम कोलिजन में ही कंजर्व होता है। कोई बात नहीं, अलग अलग
हाँ वो तो जब हम कोलिजन्स कर रहे थे तो भी अलग अलग ही होती थी बॉडी. सी बुलेट और ब्लॉक तो आपका एक सिस्टम है, उसके ऊपर आप मोमेंटम कंजर्व कर रहे थे. ठीक है, तो सोचना तो ये है कि आपने जो वो कंजर्व किया, जो आपने फाइनल इंस्टेंट लिया, इनिशियल इंस्टेंट क्या लिया हुआ है हमने, जब ये ऐसे हमने फाइनल इंस्टेंट क्या लिया जब वो जस्ट उसके अंदर चली गई बुलेट. सोचना तो ये है कि फाइनल इंस्टेंट यही क्यों लिया, ये वाला क्यों नहीं लिया जब वो ऊपर ही चले गए. सी मोमेंटम का पोटेंशियल एनर्जी से तो कोई लिंक नहीं हुआ. आप तो मतलब इनडायरेक्टली बच्चों ये सोचो कि जब ये स्विंग कर रहा है उस टाइम पे कुछ मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं कर पा रहे हम ड्यू टू सम रीजन. ये सोचना है हमें कि क्यों नहीं कर पा रहे. जब ये यहां से यहां तक स्विंग कर रहा है बच्चों, ये तो अब कुछ इंस्टेंट में नहीं हो रहा ना, दिस विल टेक सम टाइम, राइट. इस टाइम में अगर आप देखो टेंशन लग रही है, टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, क्या ये बात मानते हो? तो इसलिए आप नहीं कर सकते. हमने क्या सीखा था कि हम मोमेंटम कब कंजर्व कर सकते हैं, जब या तो कोई एक्सटर्नल फोर्स ही ना हो, या फिर अगर ऐसी सिचुएशन हो जब बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन हो, तो उस शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर कोई मतलब नॉन इंपल्सिव फोर्सेस लग भी रही होंगी तो भी हमें कोई चक्कर. यहां पे क्या प्रॉब्लम थी जब ये स्विंग कर रहा है, दिस इज नॉट अ शॉर्ट ड्यूरेशन. शॉर्ट ड्यूरेशन तो हम एक इंस्टेंट की तरह मानते हैं, जो कि कब थी कि जितने में जस्ट कोलिजन हुआ ऐसे. क्या ये बात समझ आई? तो ड्यूरिंग द स्विंग हम मोमेंटम क्यों नहीं कंजर्व कर सकते थे, क्योंकि उस ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, एक्सटर्नल इंपल्स आ रही है. एक्सटर्नल इंपल्स कौन दे रहा है? टेंशन. क्या ये बात समझ आती है बच्चों? सोच लो एक बार. हाँ मतलब हम कहेंगे कि टेंशन के कारण इंपल्स आ रही है, एक एक्सटर्नल फोर्स टेंशन है जिसने इंपल्स प्रोवाइड की और मोमेंटम चेंज कर दिया. मतलब इंपल्स तो फोर्स से ही बनती है ना, फोर्स इनटू टाइम करके, तो वो फोर्स जो है वो टेंशन की है. क्या ये बात समझ आई बच्चों क्यों हम नहीं कर पाए कंजर्व शुरू से लेके एंड तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, हम शुरू से लेके एंड तक एनर्जी क्यों नहीं कंजर्व कर पाए? मैं सीधा ऐसे लिख देता, हाफ एम जी स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो भी है एम प्लस एम जी एच. ये कोलिजन हो रहा है और ये इलास्टिक कोलिजन भी नहीं है, ये तो डेफिनेटली इनइलास्टिक है. कैसे पता चल रहा है? जब वो फंसी गए उसमें क्या होता है, मतलब जब इनइलास्टिक कोलिजन होता है उसमें क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है. तो बच्चों आप देखो हमने कितने अच्छे से क्या किया है, दोनों को यूज किया है, मोमेंटम को भी यूज किया है और एनर्जी को भी यूज किया है, बट बिल्कुल स्पेसिफिक ड्यूरेशंस में कर लिया जब दोनों काम कर रहे थे. तो आप अगर आप सोचो तो क्या हुआ है, ये इससे टकराया और टकराने में क्या हुआ, एनर्जी लूज हो गई. ठीक है, बट टकराने में क्या कंजर्व कर सकते थे, मोमेंटम. तो वहां पे तो हमने मोमेंटम कंजर्व किया और इसकी वेलोसिटी निकाल ली. फिर उसके आगे जब वो यहां से यहां जा रहा था तब क्या हो रहा था, अब मोमेंटम तो कंजर्व कर नहीं सकते थे, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल इंपल्स आ गई. बट क्या कर सकते थे, एनर्जी. तो अब यही टेंशन फोर्स इंपल्स प्रोवाइड कर रही थी लेकिन कुछ वर्क नहीं कर रही थी, क्यों? फोर्सेस और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, तो हम एनर्जी कंजर्व कर पाए. बात समझ आ गई कि कैसे हमने टूल्स डेवलप करनी है जो हमारे को अलग अलग ड्यूरेशंस में हेल्प कर देते हैं. तो बहुत बार ऐसा होता है बच्चों कि हम बहुत सारी सिचुएशंस में मतलब कोई एक चीज कर पाते हैं, मोमेंटम कर पाते हैं, एनर्जी नहीं कर पाते, या ऐसा भी होता है कि दोनों ही कर पाओ, बट वो आपको बहुत ध्यान से सोचना है कि कहां पे कौन सी चीज आप कर सकते. क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है, मतलब इट इज नॉट कि हम ब्लाइंडली बस
कहीं पर भी मोमेंटम एनर्जी कंजर्व कर दें, हमें सोचना पड़ेगा ध्यान से कि कहां पे क्या चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे विद प्रैक्टिस थोड़ा आइडिया लगना शुरू हो जाता है, जैसे यहाँ पे भी आपको इतना डीपली बिना सोचे भी पता था कि हाँ भाई चल पहले मोमेंटम कर दो फिर एनर्जी कर दो, राइट। तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस अगर बच्चों हम इस केस में ये जो स्विंग मतलब फिनोमिना टू जो है, अगर मैं इसमें इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाता तो मैं कैसे लिखता, ट्राई करो बच्चों। मतलब हम ये बुलेट प्लस ब्लॉक सिस्टम के ऊपर अगर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाते तो वो कैसी दिखती, मतलब मुझे सॉल्व नहीं करना बच्चों, आप सिर्फ लिख के दिखाओ मुझे। क्वेश्चन क्लियर है, ये कब लगा रहे हैं हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, किस पार्ट के लिए, जो फिनोमेना टू है ना। मतलब सारे वेरिएबल्स बच्चों जो भी आपको लगते हैं वो मानते हुए उनकी टर्म्स में लिख के दिखा दो बस मुझे। सारे वेरिएबल्स ले लो बच्चों, है ना, कोई वो टेंशन नहीं है आप को, तो बस देख रहे हैं लिख के कि कैसा होगा। भाई लेफ्ट हैंड साइड पे कौन कौन सी फोर्सेस आएंगी, हमारा सिस्टम क्या था ब्लॉक प्लस बुलेट, तो उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, टेंशन और ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, बस दैट्स इट। तो उसको आप कैसे लिखोगे, यू विल राइट इट एज वेरी जनरल टर्म्स, इंपल्स ऑफ टेंशन डीटी, मतलब फोर्स इंपल्स कैसे बनेगी टेंशन फोर्स की, इंटीग्रल टी डी टी, ग्रेविटेशनल फोर्स की इंपल्स कैसे बनेगी, इंटीग्रल ऑफ एफ जी डी टी, ठीक है। मतलब मैं अभी सिर्फ बिल्कुल जनरल टर्म्स में आपको लिख के दिखाना चाह रहा हूं। ये राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम, वो क्या बना फाइनली, क्या है जीरो, इनिशियली क्या है एम प्लस एम इन टू वी, ऐसे लिखेंगे। मैं अभी जानबूझ के सारा कुछ वेक्टर्स में लिख रहा हूं क्योंकि इंपल्स और मोमेंटम दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है जी।
ओके अब बच्चों क्या हम इसको कुछ फर्दर सॉल्व कर सकते हैं? आप ऐसा करो, देखो टेंशन फोर्स जो है क्या उसकी डायरेक्शन पता है आपको? क्या मतलब परपेंडिकुलर पता है, बट आई कैप जे कैप में तो नहीं लिख सकते क्योंकि हर इंस्टेंट पे चेंज होती जा रही है ना, तो इसको नहीं हम छेड़ते। क्या इसकी पता है ये किधर को लग रही है? ये तो पक्का हमेशा डाउनवर्ड ही लग रही है, तो इस फोर्स को मैं आई कैप जे कैप में लिख सकता हूँ। व्हाट अबाउट इधर, क्या वेलोसिटी को मैं आई कैप जे कैप में लिख सकता हूँ? यस, वी डैश तो पता है किधर को है, किधर को है आई कैप में। तो आप फर्स्ट टर्म को छोड़ते हुए बस एक बार सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को, मतलब सेकंड टर्म और राइट हैंड साइड वाली टर्म को आई कैप जे कैप में लिख दो, क्या बनता है? लिखा क्या ये ऐसे बन जाएगा? इंपल्स फर्स्ट टर्म को तो छेड़ा नहीं, क्यों नहीं छेड़ा? कुछ कर नहीं सकते थे, पता ही नहीं हमें। सेकंड टर्म ऐसे लिखेंगे, ये एक गलती है यहाँ पे, है ना? यस, यहाँ पे एम प्लस एम आएगा। करेक्ट, यहां से बच्चों हम क्या बता सकते हैं? हम एक काम करते हैं, लेट अस जो टेंशन की इंपल्स है उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। हम कहते हैं कि भाई जो टेंशन की इंपल्स होएगी उसमें एक पार्ट तो एक्स डायरेक्शन की टेंशन की इंपल्स के कारण आएगा और एक पार्ट वाई डायरेक्शन की टेंशन की इंपल्स का आएगा, है ना? मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, हर इंस्टेंट पे टेंशन का एक्स कंपोनेंट लेके उसका इंटीग्रल अगर मैं कर दूं तो उससे क्या आ जाएगा, टेंशन वाली इंपल्स का एक्स कंपोनेंट, सिमिलरली टेंशन वाली इंपल्स का वाई कंपोनेंट। अगली टर्म बन गई माइनस एम प्लस एम जी, यहां तो एक कांस्टेंट सी एन को इंटीग्रल के बाहर भी कर सकता हूं मैं, जे कैप इंटीग्रल के अंदर क्या आ गया, डी टी। राइट हैंड साइड पे क्या बन गया, माइनस एम प्लस एम बी डैश आई कैप, ठीक है जी। इसके बेसिस पर बच्चों अगर हम ध्यान से देखें हम क्या कुछ कंक्लूड कर सकते हैं? If you look at this carefully, बच्चों एक बात बताओ, जो आपकी राइट हैंड साइड है वो किस, वो आई कैप के अलोंग है? लेफ्ट हैंड साइड में आई कैप वाली टर्म कहां से आएगी? सिर्फ टी एक्स से ही आ सकती है ना, टी वाई और अगली जो टर्म है उससे तो आने से रही,
इससे हमें क्या पता चला? इंटीग्रल ऑफ टी एक्स डी टी क्या है? माइनस एम प्लस एम इन टू बी। मानते हो ये? क्यों? आई के आप तो टी एक्स से ही आएगा। दूसरी बात क्या बता सकते थे बच्चों? भाई क्योंकि राइट हैंड साइड पे कुछ जे कैप में है ही नहीं, इसका क्या मतलब हो? इंटीग्रल ऑफ टी वाई डी टी इज इक्वल टू एम प्लस एम जी इंटीग्रल डी टी। इंटीग्रल डी टी काट दो दोनों तरफ से, कब पड़ेगा? कैसे काट दोगे है? टी वाई तो इंटीग्रल के अंदर है, वो तो फंसा हुआ है, वो कांस्टेंट होता तो बाहर निकाल सकते थे, अभी थोड़ी निकाल सकते हैं। उसको टी लिख सकते हैं ऑफ कोर्स। वो कहां कह रहे थे तुम? तो कह रहे थे कि काट सकते हैं डीटी। अच्छा आप ये कह रहे थे कि इंटीग्रल और डी काट सकते हैं। मैंने ये पूछा था कि दोनों साइड से, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से इंटीग्रल डीटी तो नहीं काट सकते पूरा, तो इसको आप मतलब ऐसे टी लिख सकते हो, ठीक है? हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब बच्चों आप एक बात देखो, हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे यहां से? हमें यह पता है कि टेंशन की एक्स डायरेक्शन में इंपल्स कितनी है, कितनी? माइनस एम प्लस एम इन टू वी। हमें टेंशन नहीं पता कितनी है, ना हमें टाइम पता है ना, बट हमें यह पता है कि टेंशन की एक्स डायरेक्शन में इंपल्स कितनी है, माइनस एम प्लस एम इन टू वी, है ना? और हमें एक और बात पता है कि जितनी इंपल्स टेंशन ने वाई डायरेक्शन में लगाई उतनी ही इंपल्स मतलब वो एम प्लस एम जी इंटू टी के इक्वल है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वाई डायरेक्शन में टेंशन की इंपल्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की इंपल्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही है। मानते हो? तो अगर टी नोन होता लेटस से तो फिर आप क्या बता सकते थे? फिर तो आप वाई डायरेक्शन वाली टेंशन की इंपल्स की भी एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते होते, है ना? इसको तो लिखने की जरूरत नहीं। हम ये कह सकते हैं कि अगर टी अननोन है तो हम क्या, वी कुड हैव कैलकुलेटेड इंटीग्रल टी वाई डी। मतलब बच्चों यहाँ पे एक जो बहुत अच्छी बात हो रही है वही हो रही है कि आपको ना तो टेंशन की वैल्यू पता है, वो डायरेक्शन भी उसकी चेंज हो रही है ना, बट स्टिल आप उसकी इंपल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? एक्स में तो सीधा ही हो गई और वाई में मतलब टाइम पता होता तो वाई की भी निकल आती। क्या ये बात समझ आ रही है? इसको फिजिकली कैसे सोचना है? ये तो हमने मैथमेटिकली बड़ा कॉम्प्लिकेट करके लिखा हुआ है, इसको सीधा फिजिकली आप कैसे सोच सकते थे? भाई इनिशियली सिस्टम के पास एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम है, फाइनली सिस्टम के पास किसी भी डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं है, तो वाई में तो ना पहले था ना बाद में, एक्स में पहले था बाद में जीरो हो गया। सिस्टम के ऊपर कौन सी दो फोर्सेस लग रही हैं? टेंशन एंड नॉर्मल ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स वाई डायरेक्शन में कोई, सॉरी एक्स डायरेक्शन में कोई इंपल्स दे सकती है? नो। तो भाई जो एक्स डायरेक्शन की इंपल्स है वो कहां से आएगी? टेंशन से ही आएगी। और वो क्या करेगी? एक्स डायरेक्शन के मोमेंटम को खत्म करेगी, मतलब उसको इक्वेट कर दिया हमने जीरो जीरो माइनस करके,
क्या ये बात समझ आई? वाई डायरेक्शन में क्या कोई इनिशियल मोमेंटम है? नहीं है. क्या कोई फाइनल मोमेंटम है? तो उससे क्या पता चल रहा है कि वाई के अंदर नेट इम्पल्स जीरो है. तो वो कैसे हो रही होगी कि टेंशन की इम्पल्स और एमजी की इम्पल्स आपस में कैंसल आउट हो रही. आई बात समझ? ठीक है. ठीक है बच्चों, अगेन वही बात है. ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये तो स्टैंडर्ड है. ठीक है, ये हर बुक में हर जगह मिल जाएगा आपको ऐसे किया हुआ. जो इसके आगे वाला ये जो हमने किया है सारा कुछ, ये है नॉन स्टैंडर्ड. तो ये मतलब दिस इज लाइक अ परफेक्ट सिचुएशन फॉर आईआईटी कि वो जहां पे आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे इंपल्स ऑफ टेंशन, जिसमें आप पक्का कंफ्यूज होगे कि यार टेंशन तो निकाल नहीं पा रहे, उसकी इंपल्स कहां से निकाल. ठीक है ना? बट करना क्या था, सिंपली राइट हैंड साइड से इक्वेट कर देना था चेंज इन मोमेंटम से. आई बात समझ? तो हम ना इस बात को बच्चों फिर से लिखेंगे, ऑल्दो हमने बात समझी हुई है कि हम कब मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, उसकी कंडीशन क्या है, फोर्स जीरो या इंपल्स जीरो. इंपल्स जीरो. इंपल्स जीरो कब होगी? दो केस है कि या तो फोर्स ही जीरो हो जाए फिर तो बात ही खत्म. दूसरा केस क्या है? अगर टाइम बहुत छोटा हो और फोर्स मतलब फाइनाइट हो, मतलब उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन इंपल्स, है ना. तो हम दो सिचुएशंस में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं. समझ बच्चों? ओके. तो एक एग्जांपल बनाते हैं बच्चों. अच्छा, आप लोग जो अर्बन स्टेट से आते हो, कुछ रस्ते रस्ते बंद है ना उस साइड से, फिर क्या कैसे चलता है काम? है ना? नहीं, रास्ता तो ब्लॉक भी है ना वो, या क्या दूसरा रास्ता कौन सा? उस रन बायपास वाला. क्या बोला अभी? बोला एम फोर एम दो ब्लॉक्स, इनको एक फ्लैट से कनेक्ट किया हुआ है.
बुलेट का मास m बाय टू और ये वेलोसिटी भी, एक्सक्यूज़ मी सर, हाँ डायरेक्ट, सर वो ऊपर वाले ना टेंशन वाले में एक डाउट था, पेंडुलम वाले में थोड़ा। सर इसमें जो थीटा चेंज हो रहा है उसको हम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकते हैं किसी तरह? ना ओके मतलब सर, बहुत अगर मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिर अगर हमें पता लग जाए फिर तो हम टेंशन को ही ढूंढ सकते हैं ना कि वो टाइम के साथ कैसे वेरी करेगी। तो, हाँ निकल जाएगा। ओके ओके सर। जो तो आप कौन से क्वेश्चंस कह रहे थे जो आपने मुझे मैसेज किया था, वो जो दो तीन वो
बस 2 मिनट। लास्ट ईयर किया था फर्स्ट टाइम। हाँ बच्चों हुआ। आंसर है साइंस की गड़बड़ होगी। ना भाई सबसे पहले तो ये बताओ कोलिजन के बाद दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी सेम होंगी या अलग होंगी? सेम होंगी। क्यों? स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो वेलोसिटी अलग हो ही नहीं सकती है ना, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल कि ये अलग वेलोसिटी से जा रहा है और ये अलग। हाँ एक केस में हो सकता था अगर इसकी वेलोसिटी इधर को आ जाती, अगर इसकी इधर को होती और इसकी भी इधर को होती तो फिर तो हम कहते हैं कि थ्रेडी स्लैक है तो कोई चक्कर ही नहीं, बट अगर इसकी वेलोसिटी इधर को आ रही है तो उसकी भी उतनी इधर को आनी पड़ेगी, मानते हो? पहली बात। दूसरी बात, क्या आप ये m by 2 और 4m के सिस्टम के ऊपर मोमेंटम कंजर्व कर सकते थे? क्यों? टेंशन की इंपल्स आ जाती, एक्सटर्नल है, ठीक है। तो क्वेश्चन जान के दिया गया क्योंकि माइंड में यही बैठ गया था कि कोलिजन में तो इंपल्स मोमेंटम कंजर्व कर ही देते हैं। एक मिनट यार खत्म, बस लास्ट लाइन है। रूट कहाँ से आ गया? अपॉन इलेवन। तो बस एक सुन लो लास्ट लाइन। अरे लास्ट है, वैसे खत्म हो जाएगा वचन। करना क्या है कि आप इन दोनों पे नहीं कर सकते मोमेंटम कंजर्व, फिर पूरा उस पे करना है। होमवर्क क्या है आपका? 3A कंप्लीट कर लेना वर्क एनर्जी की, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ इसका आंसर क्या है? V/11। ओके सर। ठीक है ऑनलाइन छुट्टी हो गई।